हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने इंटरमीडिएट मैथ के सेकंड मैथ के इंटीग्रेशन चैप्टर से 7.1 का क्वेश्चन नंबर 15 तक कर दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, आगे ये दिया हुआ है कि इंटीग्रेशन 2x माइनस 3 cos x प्लस ex, तो उसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे तीन पद लिखे हुए हैं, प्लस माइनस प्लस, कैसे भी हो प्लस माइनस को गुणा में ना हो बस, तो सबको ये इंटीग्रेशन साइन सबके साथ लिख देंगे। यहाँ भी लिख जाएगा 2x और dx माइनस इंटीग्रेशन 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ex dx। तो ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, केवल अंदर x बचेगा dx माइनस, अब तीन बाहर आ जाएगा, cos x बचेगा प्लस, ये ऐसे रहने देंगे क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट है नहीं। अब देखो दो तो ऐसे रहेगा, x का x पर घात एक है तो एक घात छुट जाएगी ऊपर, x स्क्वायर हो जाएगा अपॉन वो भी 2 लिखेंगे, माइनस 3 कॉस का होता है साइन एक्स और प्लस ई एक्स का ई एक्स ही होता है, प्लस का दो से दो कैंसिल, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस ई एक्स प्लस सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 17वां, 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 रूट x dx। तो वही काम, दो बाहर निकाल ले रहे हैं, इंटीग्रेशन x स्क्वायर dx माइनस 3 बाहर निकाल ले रहे हैं, sin x dx प्लस 5 बाहर निकाल ले रहे हैं और x को हो जाएगा 1/2 dx। इसको देखते हैं, दो अब x स्क्वायर का एक घात ऊपर जुड़ जाएगी और उतनी ही नीचे की जाएगी, माइनस 3 sin x का होता है माइनस का cos x प्लस 5 x का 1/2 का x पर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस का c, ये हो जाएगा 2/3 x क्यू माइनस 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 प्लस कॉस एक्स प्लस का, अब ये दो सबसे नीचे वाला बन जाएगा सबसे ऊपर, क्या हो जाएगा 10/3 एक्स पर 3/2 प्लस का सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते, सेक एक्स कोष्टक में सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, सबसे पहले हम अंदर गुणा करेंगे सेक एक्स का, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स का स्क्वायर करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स और बाहर डी एक्स। अब ये इंटीग्रेशन दोनों के साथ लगा दो, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। अब sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x और sec x tan x का होता है sec x और प्लस समाकलन नियतांक। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 आपका लिखा हुआ है sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x, तो इसमें क्या करें, इसको sin cos में चेंज कर लेना, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा ऊपर वाला 1/cos² x और जब ये साइन अंश में जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ये साइन और कॉस क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx, tan square x का हमें डायरेक्ट फॉर्मूला तो पता है, तो
तो इसको हमने चेंज कर दिया ऐसे कि इसका पता है और इसका पता है, तो sec स्क्वायर माइनस 1 में। अब इसको इसके साथ लिख दे रहे हैं sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन 1 dx। तो sec स्क्वायर x का होता है tan x माइनस x का 1 का x प्लस का c। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। फिर कहा 3 माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये अंश के पूरे के नीचे लिखा हुआ है, तो ये इसके नीचे भी लिख देंगे और इसके नीचे भी लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स अपॉन कॉज स्क्वायर एक्स dx। इसको आगे देखते हैं थोड़ा, अब ये क्या हो जाएगा, दो अपॉन कॉस का क्या हो जाएगा 2। अब कॉस को अंश में ले जाएंगे, एक बट्टे कॉस का क्या होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 3। इसको दो जगह लिख दे रहे हैं साइन, तो ऐसे रहने दो, और ये कॉज एक्स इंटू कॉज एक्स। थोड़ा समझने के लिए इसे हमने दो जगह लिख दिया कॉज स्क्वायर को। अब देखो यहां भी बड़ा क्वेश्चन लगा है, अब ये 2 sec² x माइनस 3। अब देखो साइन बटे कॉस क्या होता है tan, और ये 1 अपॉन कॉस क्या होता है sec। अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 sec² x dx माइनस इंटीग्रेशन, 3 बाहर निकाल दे रहे हैं, 3 बाहर निकाल देंगे, sec x tan x हो गया sec x इंटू tan x dx। अब देखिए 2 तो ऐसे ही रहेगा, sec स्क्वायर एक्स का क्या होता है, वेरी गुड सही बताया आपने, tan x माइनस 3 sec x tan x का क्या होता है sec x और प्लस का c, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। प्रति अवकलज मतलब हमें इसका समाकलन ही ज्ञात करना है, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स dx, तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखो हम लिख दे रहे हैं x पर 1/2 dx और प्लस, और इसको अंश में ले जाएंगे तो x पर हो जाएगा 1/2 की घात होती है, और 1/2 की घात पर ले जाएंगे तो हो जाएगी माइनस की 1/2 dx। अब इसका क्या हो जाएगा, x पर 1/2 का हो जाएगा 3/2, क्योंकि 1 जुड़ेगा घात और 3/2 नीचे भी लिख जाएगा 3/2 प्लस, अब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 1/2 बचेगा नीचे भी 1/2 प्लस का c, और ये क्या हो जाएगा, तो 2/3 एक्स पर 3/2 प्लस 2, ये 2 ऊपर आ जाएगा एक्स पर 1/2 प्लस का c, तो ये आपका ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ये ऑप्शन था 1/3 21 का 2/3 एक्स पर 3/2 पहला है नहीं, दूसरा है नहीं, 2/3 एक्स पर 3/2 प्लस 2 एक्स पर 1/2, ये आपका आंसर आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। देखिए इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि dx ऑफ fx बराबर 4x³ - 3/x⁴, जहां पर फंक्शन ऑफ 2 का मान 0 है, तो हमें fx का मान ज्ञात करना है,
यहाँ देखो दिया है क्या दिया है डी डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स बराबर 4x³ माइनस 3/x⁴। अब हम इसका दोनों ओर कर दे रहे हैं समाकलन, दोनों ओर समाकलन करने पर तो इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स बराबर इंटीग्रेशन 4x³ माइनस 3/x⁴ डी एक्स। और हम जानते थे अवकलन समाकलन का व्युत्क्रम होता है, तो समाकलन से अवकलन कट जाएगा, यानी इसी का अवकलन करना है पहले और फिर उसी का समाकलन करना है, तो क्या आ जाएगा केवल एफ एक्स बचेगा यहाँ पर, और इधर हो जाएगा 4x³ डी एक्स माइनस 3 बाहर निकाल दे रहे हैं और ये 4 ऊपर चला जाएगा x पर माइनस 4 डी एक्स। तो आगे देखते हैं एफ एक्स बराबर क्या मिलता है, 4 ये मिल जाएगा x पर 4/4 माइनस 3 x पर एक जोड़ेंगे तो माइनस 3 रह जाएगा और नीचे भी कितना आएगा माइनस 3 आएगा और प्लस का c, 3 से 3 कैंसिल 4 से 4 कैंसिल, तो एफ एक्स बराबर आपका आ जाएगा x⁴ प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1/x³ प्लस c। अब यहाँ पर हमें c की वैल्यू और ज्ञात करनी है, आगे देखते हैं इसे एफ एक्स एक्स फोर प्लस वन अपॉन एक्स क्यू प्लस सी आ गया, हमारा दिया है फंक्शन ऑफ टू बराबर 0। इसका मतलब एफ एक्स में, इस एफ एक्स में हम 2 रख दें, हर एक एक्स की जगह पर 2 रख दें तो इस पूरे का मान कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। एफ एक्स की वैल्यू कितनी थी हमारी, एफ एक्स बराबर था हमारा x को 4 प्लस 1/x³ प्लस c, x बराबर 2 c। तो आप इसमें हर एक जगह पे x की जगह पे 2 रखो, यानी 2/4 प्लस 1/3 प्लस c, तो इस पूरे का मान कितना हो जाएगा 0। यहाँ से सी का मान लगा लेंगे 2 × 4 = 16 प्लस 1/8 प्लस सी बराबर 0 और लासा ले लेंगे 8 × 16 = 128 और 129 प्लस सी बराबर 0 और सी बराबर माइनस का 129/8। सी का मान समीकरण फर्स्ट में रखो, सी का मान फर्स्ट में रखने पर तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा आपका, देखो पहले तो एक्स फोर प्लस 1/x³ माइनस सी का मान आया था माइनस का 129/8। तो ये ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर है आपका 22 का एक्स फोर प्लस 1/x³ और माइनस का 129, यानी ए है, ए सही है आपका, इसका उत्तर आएगा ए। तो इस तरह से आपकी पहली 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है।